अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह नौ में आपको खुशामदीद कहते हैं और साथ साथ 70 साल आजादी की मुबारकबाद। हर रोज हम एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। तो अब तक हमने जो खोया जो पाया उसके बारे में हम रफ्ता रफ्ता या हर दिन बात करेंगे। आज जो हम एक बात फर्स्ट स्टार में करना चाहते हैं वो उस एसेट के हवाले से है जो हमारे पास भरपूर है और जिसके बारे में पूरी दुनिया सोचती है और पूरी दुनिया उस एसेट को अपने पास अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना यंगस्टर लॉट, इतने नौजवान नहीं है जितने पाकिस्तान में हैं। इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं आज का पाकिस्तान और नौजवान, उनको यहाँ पर बुलाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली शेख साहब मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के। आपको खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। जब से यहाँ आए हैं कोशिश कर रहे थे कि आपसे मुलाकात हो जाए और फाइनली हो गई है। बहुत शुक्रिया। ये कोई आपका पेटेंट वीक है या पेटेंट मंथ है जिसे आपसे मुलाकात होती ही है? बर्थ मंथ भी यही है। अच्छा, बर्थ मंथ भी यही है। क्या डेट है? 15 अगस्त। ओके, चले पाकिस्तान के साथ ही जोड़ लेते हैं। बहुत मुबारक हो आपसे उसकी भी। प्लीज बैठिए। एंड वी हैव डॉक्टर अमरीन फजल, असिस्टेंट प्रोफेसर है। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज बैठिए। तो आज के नौजवान को आज के पाकिस्तान में आप किस तरह देखते हैं? बहुत मजलूम, तकलीफों में घिरा हुआ। ये हस्बैंड की बात नहीं हो रही, ये नौजवान की नहीं, नौजवान के साथ भी जुल्म तो है ना। क्योंकि अपनी जगह देखें ना, हमारे मुल्क में एक बड़ी अक्सरियत नौजवानों की है, एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिले का कभी मौका ही नहीं मिलता। जी, जी, जी। और इंतहाई कसम परसी के आलम में सब ह्यूमन कंडीशंस में उनको रहना पड़ता है। फिर उसके बाद एक सोसाइटी के मुख्तलिफ ट्रेंड्स होते हैं दुनिया भर में, जहां भी हमें मौका मिला है वहां कम अज कम कुछ एवेन्यूज नौजवानों के लिए खुले हुए होते हैं। यूनिवर्सिटीज में एक्टिविटीज करते हैं, खुश होते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ इतनी कदगने लगा दी जाती हैं, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से, कि वो जो टैलेंट है हमारे नौजवानों का वो परवान नहीं चढ़ पाता। तो उस हवाले से मैं हमेशा ये समझता हूँ कि वो मजलूम है। यानी आप देखें कि घर से शुरुआत होती है और मदरसे के अंदर, फिर सोसाइटी में ओवरऑल, उसमें बदतरीन सूरत हाल हमारी लड़कियों की है जो खवातीन हैं। जी, और इसके बारे में हम बारहा सुन रहे हैं क्योंकि कॉलर्स आते हैं और वो ये बात करते हैं कि खवातीन की तालीम, लड़कियों की तालीम, ये हमारा इशू है और आपने इस दुख के साथ ही शुरू किया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी मैडम आप उस पर भी रोशनी डालें कि जो हमारे यहाँ इस वक्त असासा मौजूद है, जो यूनिवर्सिटीज में है, जो कॉलेजेस में है, स्कूल में है, उनको आप किस तरह से देखते हैं? थोड़ी सी पॉजिटिव भी बात करें, लेकिन आपका पॉइंट बहुत अहम है, उस पर दोबारा आ जाते हैं। छात्रा के रोल की अगर बात करते हैं तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो जी जी बिल्कुल तालीम दे रहे हैं, तो इट्स एन ऑनर फॉर द टीचर्स एज वेल, और बहुत मेहनत करते हैं। नो डाउट इश्यूज भी बहुत सारे हैं, सोशल इश्यूज हैं, जाहिर साजा भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है जिसके तलबा हिस्सा है, तो पॉजिटिव रोल है। नेगेटिव की मेरे सर ने बात की कि मजलूम है, तो कुछ साजा भी मजलूम है नो डाउट, लेकिन ये कि साजा की पूरी कोशिश होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करें। और आपको यंगर लॉट लगती कैसी है? इंटेलिजेंट है, एक्टिव है, अग्रेसिव है? हमारे यहाँ नौजवान कैसा है? अगर आज का नौजवान की डेफिनेशन में आप दोनों से पूछें, चले आप पहले बता दीजिए कि आज के नौजवान को जो आप देखते हैं उनको हम अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर में बात करते हैं, जिन तलबा का आपने जिक्र किया जिनको एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जो जा ही नहीं पा रहे दरसी जगह पर, लेकिन वो जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, उनको आप किस तरह देख रहे हैं? आज का नौजवान पाकिस्तान में किस तरह का है, क्या एट्रीब्यूट है? वो तो देखें ना, उसमें तो कोई कलाम नहीं है कि मोस्ट टैलेंटेड लॉट है पाकिस्तानियों की। और हम इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि यही बच्चे यहाँ उतनी बेहतर सहूलियात हम उनको नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया भर में कॉम्पीट करते हैं। दुनिया के किसी भी खिते में आप चली जाएं, अमेरिका चली जाएं, यूरोप चले जाएं, पारिस चले जाएं, वहां यूनिवर्सिटीज में जो आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, हर जगह आपको हमारे मुल्क का नौजवान बेहतर से बेहतर काम करता हुआ नजर आएगा। वहां वो कॉम्पीट करते हैं।
तो इस बात में तो कोई कलाम नहीं है कि इनको अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया, रिजिलियंस है और बाकायदा स्ट्रगल करके अपने लिए मकाम बनाते हैं। अपने मुल्क में भी हमारे यहाँ बेतहाशा अच्छी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं अगेन वो उसी तनासुब की कि 50% आपके ऐसे लोग हैं जिनको ये तमाम सहूलियात भी मुयसर हैं, कॉम्पीट भी कर पाते हैं, 50 ऐसे भी हैं जिनको भी है, तो जब 70 साल हमारे मुल्क को होने वाले हैं अगले हफ्ते, तो हमें जायजा लेना होता है कि ठीक है गिलास मुकम्मल तौर पे खाली नहीं है लेकिन मुकम्मल तौर पे भरा हुआ भी नहीं है। और एक चीज में मेरे ख्याल में सबका बहुत ज्यादा फोकस है और आपका तो क्योंकि ताल्लुक ही से मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी से है कि एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कभी भी। पॉइंट आपका बिल्कुल बेहतरीन है कि ये एक ऐसी चीज है जिसे बार बार डिस्कस किया जाना चाहिए, बार बार इसकी अहमियत को उजागर किया जाना चाहिए, क्योंकि तालीम के बगैर जब तक तालीमी रेशियो हमारा नहीं बढ़ेगा, लिटरेसी हमारे नहीं बढ़ेगी, तब तक हम उस तरह से डेवलप कौम के जमरे में नहीं हो सकते। कभी कोई दुनिया में ऐसी मिसाल ही नहीं है कि कोई कौम अगर उसके अफराद जाहिल हों और वो कौम कोई बड़ी तरक्की हासिल कर सकी हो। हमारे यहाँ रुकावटें ज्यादा हैं और तरक्की शायद देर में मिलती है, बाहर जाके तरक्की जल्दी मिल जाती है, क्या ऐसा है? मैं कहूंगा कि समथिंग इन बिटवीन, दोनों बातें हैं। असल में एक जो मैं वहां पर अमेरिका में पढ़ाता रहा, अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन डीसी में, वहां भी पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, बांग्लादेश के तालिबे इल्म सब तादाद में थे, बात होती थी। दो चीजें हैं, एक तो सबसे ज्यादा जो इनको अट्रैक्ट करती थी नौजवानों को जो मेरे साथ वहां पर थे, कि वहां पर एक आजादी का एहसास उनको होता था, जो सोसाइटी की बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे यहां उनसे उनको एक थोड़ा सा आजादी का एहसास होता था, एक ये एक उनसर था। और दूसरा ये भी एक हकीकत है कि हमारे यहाँ मौके हासिल करने के लिए जिस तरह का सिस्टम बना हुआ है पैटर्नाइजिंग का, कि अगर आपको कोई जानता है, आप रेफरेंस आपके पास है, वही जागीरदार, वही वडेरे, अगर नौकरी चाहिए तो उनके दरों पे जाना है, आपका मेरिट, आपका टैलेंट वो सेकेंडरी हैसियत रखता है। सिवाय चंद आइलैंड्स हैं अच्छे, यकीनन मैं ये नहीं कहता कि पूरे का पूरा पाकिस्तान ऐसे है, इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके बीच में दरमियान है। देखें बात ये है ना नुसरत साहबा, कि हकायक हैं जिंदगी के, और 70 साल हम पाकिस्तान को अब माशाल्लाह बने हुए हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये मैच्योरिटी का वक्त है और अब हमें अपनी कमजोरियों का भी जायजा लेना चाहिए। यकीनन खुशी की बात है कि हमने बहैसियत कौम 70 साल पूरे किए हैं, लेकिन आज काफी मसाइल भी तो हम फेस कर रहे हैं ना। आखिर उनका क्या है? अब आपका एजुकेशन सिस्टम है, कंपार्टमेंटलाइजेशन कितनी है, जो इलीट क्लासेस हैं उनके स्कूल ही अलग हैं, फिर उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल जो गली कोचों में आते हैं वो समझें कि उससे कम, फिर उसके बाद जो आपका सरकारी स्कूल है पीला स्कूल, उसके बाद फिर मदारिस, जो बच्चे गरीब हैं जो नहीं कहीं भी फीस भी नहीं दे सकते, उनके वालदेन कुछ नहीं उनके पास है, वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को ऐसे एक मदरसे में, मदरसे बहुत अच्छे भी हैं लेकिन ऐसे भी मदरसे हैं कि जहां पर उलूम के नाम पे कोई नई चीज नहीं सिखाई जाती तशद्दुद। तो बात यह है कि ये सारे जब लोग मुख्तलिफ चार स्ट्रीम्स से आपकी सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होते हैं तो एक इनबॉर्न कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में आ जाता है। आज के नौजवानों में कॉन्फिडेंस बहुत कूट कूट के भरा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी वो कॉन्फिडेंस बदतमीजी के जमरे में आ जाता है, कभी कभी वो कॉन्फिडेंस अपनी उस लकीर को क्रॉस कर देता है जहां उस कॉन्फिडेंस को कुछ और समझा जाता है, वो लिहाज, वो मुरब्बत, वो तहजीब या वो चुप हो जाना, खामोश हो जाना, मसलहत का ख्याल रखना, ये शायद पहले बहुत ज्यादा था। वक्त के साथ साथ हम जितने फास्ट हुए तो उस फास्ट ट्रैक में बहुत सी चीजों को हमने पीछे छोड़ दिया, और इसका सवाल मैंने आपसे किया था। जी मैं सिर्फ आपकी इजाजत से थोड़ा सा उस काउंसलिंग के हवाले से एक मिनट बात करना चाहूंगा कि मेरा अपना तजुर्बा यही रहा है कि सबसे ज्यादा काउंसलिंग पेरेंट्स को है, बच्चों से ज्यादा नौजवानों से ज्यादा पेरेंट्स को जरूरत है, क्योंकि हर एक शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि जो मैं न बन सका वो मेरा बेटा और मेरी बेटी बनेगा। ये जुल्म करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट पोजीशन क्लास में नहीं लाता तो उसका मतलब ये है कि वो कुछ नहीं कर सकता। तो
पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत है। दूसरा जो आपका इस हवाले से जो नौजवानों में अब आप देखती हैं कि एक हल्कापन, वो जो डेप्थ है वो नहीं, उसका सबब है बुनियादी तौर पे किताबों से दूरी कि अब आप अमेरिका जाइए, यूरोप जाइए, जहां पर समझें कि सोशल मीडिया यानी उसकी इब्तदाई वहां से हुई, इन्वेंशन ही वहां की है, वहां किताबों की तादादें मिलियंस में, जो पब्लिकेशन जो एडिशन आते हैं वो मिलियंस में होते हैं। वहां बेशक अब आपको किताबों के स्टोर नजर कम आते हैं दुकानों पे, दुकान जो आम होते थे क्योंकि अब ऑनलाइन लोग लेते हैं, लेकिन पब्लिकेशन किताब की बहुत बढ़ गई है। उसके मुकाबले में हमारे मुल्क में जहां पर 20 करोड़ की एक अच्छी किताब जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पब्लिशिंग हाउस है उनकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी करती है एडिशन में, तो इसका मतलब यह है कि किताबों से दूरी, आप किताबों से दूरी और इंटरनेट के ज्यादा कुर्बत। इंटरनेट या जो आपका सोशल मीडिया है उसमें नौजवान इसलिए जाते हैं कि जो दिल की भड़ास जिंदगी में नहीं निकाल सकते, देखिए उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, ये आप समझें कि वो नौजवान हमारे जंगी कैदी हैं जिनको हमने कैद किया हुआ है। हर जगह पर हम उनको सप्रेस करते हैं। अभी तो मुझे कैदी लग रहे हैं, कभी वालदैन के कैदी, कभी किसी चीज के इदारे में, स्कूलों में, हर जगह पर। और कभी उनको ये कहा जाता है कि बुजुर्गों का एहतराम करना है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं अगर बड़े, वो खुद सही भी नौजवान हो लेकिन चूंकि उम्र में मैं बड़ा हूं इसलिए मेरी बात माननी होगी, कोई कहेगा कि मैं रुतबे में तुमसे बड़ा हूं, तो इन विचारों के ऊपर जो ज्यादतियां होती हैं उसका रिएक्शन और उसकी जो भड़ास है वो सोशल मीडिया में निकालते हैं। अब जो तरबियत दी जा रही है इवन इन यूनिवर्सिटीज भी, वो लोगों स्टूडेंट्स के मोराल हर्ट ना हो, वो किसी तरह हर्ट ना हो, सख्त बात ना की जाए, इस पे बहुत काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना इस चीज में अगर काम होगा तो वो कैसे सॉलिड बनेंगे, वो कैसे स्ट्रांग बनेंगे। पहले का सिस्टम तो हमारा फैमिली सिस्टम जो है वो अब चेंज हो रहा है वक्त के साथ साथ, ठीक है ना। पहले वही बात कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, सब लोग मिलके बच्चे की पर्सनैलिटी में अपना रोल डेवलप करते थे, ठीक है। नो डाउट कि बहुत स्ट्रिक्टनेस भी होती थी मगर एक पर्सनैलिटी डेवलप होती थी। एक सख्त है तो एक नरम होता था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है वो बिल्कुल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो गए हैं। अब न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, जो बच्चों की सोशलाइजेशन है वो मेट्स के ऊपर चले गए, ठीक है। एंड अगेन सोशल मीडिया जो है वो रोल प्ले कर रहा है, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट जरूर है। क्या आपके यूनिवर्सिटी में लड़कियों की तादाद बेहतर है? तकरीबन बराबर है लड़कों और लड़कियों की, इवन टीचिंग फैकल्टी में, एडमिनिस्ट्रेशन में। हमारी खवातीन किसी के पीछे तो नहीं है ना, मर्दों के पीछे नहीं है, कम नहीं है टैलेंट, वो भी मर्दों के पीछे तो है, तभी तो वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मर्दों से पीछे नहीं है। तो सप्रेस यकीनन है, लेकिन जहां जहां मौका उनको मिलता है, अगर पेरेंट्स अच्छे हुए और वहां से उनको मौका मिला तो वो आगे निकल आती हैं। इस दफा अभी अगर आप देखें कि पिछले सालों के मुकाबले में, डिकेड्स के मुकाबले में आज बहुत बेहतर हालात हैं, और वो जो कदगने थी, वो जो तकलीफ का सूरत हाल होती थी, उनसे हम बहुत हद तक बाहर आ गए हैं। हमारी खासतौर पर खवातीन, अगर आप 50 साल पहले की खवातीन का साथ इनका मुआजना करें तो बहुत आगे बढ़ गई हैं, और खुशी की बात है, क्योंकि अगर औरत हमारी आगे बढ़ेगी, कोई भी कौम, जैसे हम कहते हैं तालीम की, इसी तरह से कोई ऐसी दुनिया की कौम नहीं जिसमें औरतें सामने न हों, जिंदगी के सफर में साथ न हों, और वो कौम तरक्की करे। तो वो बाकी ये जो हम बात कर रहे थे ना जनरेशन की नौजवानों के हवाले से, ये नुसरत साहबा, मैं 1885 के बाद की मैं बात कर रहा हूं, हर दौर में ये ही शिकायत रही है कि नौजवान नस्ल उस जमाने की वो सही रास्ते पे नहीं जा रही, यानी ये शिकायत आज की नहीं है, जो कल की जनरेशन थी जब हम नौजवान थे तो हमारे पेरेंट्स को भी यही शिकायत थी, जब हमारे पेरेंट्स नौजवान थे तो उनके पेरेंट्स की भी उनसे यही शिकायत थी। जिस तरह से सास बहू का झगड़ा खत्म नहीं हो सकता, इसी तरह से जनरेशन के ये जो झगड़े हैं वो नहीं है, बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर हम इतने ही हमारी पिछली जनरेशन अच्छी होती
आज के दो जनरेशन, तो पाकिस्तान आज इस हालत में नहीं होता जिसमें आज है। मैडम आप इसको कंक्लूड कर दीजिए आज के सब्जेक्ट को, एनी लास्ट वर्ड्स जो आप कहना चाहती हूँ। तो उस हवाले से कि बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे हैं, जैसे सर ने कहा कि बुक रीडिंग रीडर्स आर लीडर्स, तो अगर हमारी यूथ जो है वो अपनी करिकुलर एक्टिविटीज के साथ और जनरल रीडिंग का हैबिट अपनी डेवलप करेगी तो नो डाउट कि हमारे और मेरे ख्याल में ये जो इनके कंसर्न थे और वो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि वो कंसर्न हर दौर के हैं कि टीचर और स्टूडेंट की अलाइनमेंट बहुत जरूरी है और अक्सर जगहों पर अनफॉर्चुनेटली ये अलाइनमेंट नहीं है। फेवरेटिज्म इज ओनली वन एलिमेंट जो इन्होंने बताया, इसके अलावा भी दीगर एलिमेंट्स हैं कि टीचर्स उस तरह से एजुकेट नहीं कर पाते, अपनी बात ट्रांसफर नहीं कर पाते जैसे उन्हें करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है अगर वो कुछ कहते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो उस्ताद का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे उस्ताद छोटे से बच्चे में बहुत सी डिफरेंट चीजें पैदा करते हैं, अच्छी चीजें पैदा करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी में वो रूनुमा होने लगती है। तो एक यंग इंसान में, लड़के या लड़की में, अगर टीचर अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत करें तो वो कैसे सिटीजन बन सकता है? बहुत अच्छा है, लेकिन अभी फिर भी आप देखें ना, ज्यादा से ज्यादा एक टीचर ये करता है ना कि मार्क्स कम देता है जी, पहले तो पिटाई होती थी ना, तो ये जो इम्प्रूवमेंट है ना ये भी एवोल्यूशन का प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता आता जाएगा। लेकिन हमारी पिटाइयाँ बड़ी होती थी, सजाएं बड़ी सख्त होती थी, हाँ, घर में भी पिटते थे, स्कूल में भी पिटते थे, हमें भी अम्मी ने मारा है और दबा के। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।